हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र प्रजापति, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर एल्गी लाइकेन एंड ब्राइट फाइट्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ चैप्टर हम आपको बता चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाते हैं लाइफ साइकिल इन एल्गी के बारे में। ठीक है, लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? ठीक, लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट की जहाँ से ओरिजिन होती है और जहाँ पे जाके डेथ हो जाती है, इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया होती है, जो स्टेप होता है, उसी को ही क्या बोला जाता है, लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशन है। ठीक, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गी पॉजेज थ्रू ए नंबर ऑफ डिफरेंट मार्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल स्टेज। मार्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? बाहरी, जैसे रूट, जैसे क्या होता है, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, फ्लावर के बारे में, ये सब क्या हो जाएंगे मार्फोलॉजिकल। एंड साइटोलॉजिकल, अंदर के बारे में अध्ययन किया जाता है, जाइलम, फ्लोएम, स्टार्च, ये सब जितने पाए जाते हैं सब अंदर की तरफ हो जाते हैं। ठीक, द सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेजेज थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म पॉजेज इज नोन एज लाइफ साइकिल और आर लाइफ हिस्टोरी। ठीक, देखो जो एल्गी का लाइफ साइकिल होता है, इसको पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फाइव कैटेगरी में। कौन कौन सा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक, आइसोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक और ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। ठीक, यहाँ पे हम आपको तीन लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे, थ्री। कौन कौन सा? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, आइसोमॉर्फिक। ठीक, ये दो लाइफ साइकिल आपको जब एमएससी में जाएंगे तब वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ बता देंगे आप लोग को यहाँ भी। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, किसे कहते हैं। ठीक, हैप्लॉन्टिक लाइफ, हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हैप्लॉन्टिक का मतलब ये होता है जिसमें क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज या गैमेटोफिटिक अवस्था जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक, देखो जो मेन प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफिटिक थैलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैमेटोफिटिक थैलस, देखते हैं, गैमेटोफिटिक थैलस। ठीक, गैमेटोफिटिक थैलस है, और यहाँ से क्या हो गया, दो गैमेटेंजिया निकलेंगे, एक मेल गैमेटेंजिया और दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटेंजिया। क्या बोलेंगे? मेल गैमेटेंजिया और दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटेंजिया। ठीक, अब देखो फीमेल मेल गैमेटेंजिया से मेल गैमेट का निर्माण होगा और फीमेल गैमेटेंजिया से फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या बना, मेल गैमेट, मेल गैमेट, और यहाँ क्या बनेगा, फीमेल गैमेट। क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। ठीक, अब दो गैमेट हो गए, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से क्या होते हैं, फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनाएंगे, जायगोट, जायगोट बनाते हैं। फिर से क्या होगा, जायगोट का क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन डिवीजन। क्या होता है? आर डी, जिसको क्या बोला जाता है, आर डी, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। रिडक्शन डिवीजन होने के बाद क्या होगा कि जूमियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? जूमियोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, जूमियोस्पोर। ठीक, फिर से क्या होगा, गैमेटोफिटिक थैलस का निर्माण हो जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया में आपको सिर्फ एक चीज देखने को मिलेगा, जो जायगोट होता है वह क्या होगा, डिप्लॉयड। देखो ये क्या होगा, स्पोरोफिटिक फेज। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिटिक फेज। ठीक, और बाकी में क्या हुआ, गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज। देखो जो हैप्लॉयड होते हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफिटिक थैलस। क्या होता है? गैमेटोफिटिक थैलस। गैमेटोफिटिक का मतलब क्या होता है, गैमेट एन,
सिंगल होते हैं, जब स्पोरोफाइट की बात आती है क्या होते हैं, टू यन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो गैमेटोफिटिक थैलस से क्या होता है, मेल गैमेटेंजिया का निर्माण होगा और उसके बाद क्या होगा, फीमेल गैमेटेंजिया का निर्माण होता है। ठीक, या कह सकते हैं मोनोसियस डायोसियस, आप लोग जानते होंगे मोनोसियस कहते हैं इसको। ठीक, और क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, मेल गैमेट का निर्माण होगा और फीमेल गैमेटेंजिया से फीमेल गैमेट का निर्माण हो जाएगा और दोनों आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, किसकी, वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। ठीक, और जायगोट क्या होते हैं, फिर से क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक से चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, जूमियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर जूमियोस्पोर जो होता है क्या करेगा, गैमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए ही इसको क्या बोला जाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, पहला हो गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक, देखो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ये मेनली क्लोरोफाइट में पाया जाता है या ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। जैसे क्या होता है, ग्रीन एल्गी का कुछ एग्जांपल जैसे वालवाक्स, क्लेमाइडोमोनास, ओडोगोनियम, यूलोथ्रेक्स, ये सब क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है, वहीं पाया जाता है। ठीक, इतना समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हैप्लॉन्टिक हो गया, अब बात करते हैं हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या डिप्लॉन्टिक टाइप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिप्लॉन्टिक किसे कहते हैं। ठीक, देखो मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक, हो गया। ठीक, यहाँ देख लीजिए, अब इसके बाद क्या बात करते हैं हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा, स्पोरोफिटिक फेज मेन प्लांट बॉडी माना जाता है। स्पोरोफाइट को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक थैलस होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिटा के लिखते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकेंड, डिप्लॉन्टिक टाइप। ठीक, दिखा रहे हैं आप लोग को, मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, स्पोरोफिटिक थैलस, क्या होगा, स्पोरोफिटिक थैलस हो जाएगा, ये क्या है, मेन प्लांट बॉडी हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, जैसे वहां पे क्या निकला था, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेटेंजिया, तो यहाँ भी क्या होगा, सेम एक मेल गैमेटेंजिया और एक फीमेल गैमेटेंजिया निकलेंगे। देखिए, मेल गैमेटेंजिया और यहाँ क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटेंजिया। ठीक, अब मेल गैमेट से क्या होगा, मेल गैमेटेंजिया से मेल गैमेट का निर्माण होगा, किसका, मेल गैमेट। ठीक, और फीमेल गैमेटेंजिया से किसका, फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। ठीक, इतना समझ आ रहा है। ठीक, अब क्या होगा, मेल गैमेटेंजिया से मेल गैमेट और फीमेल गैमेटेंजिया से फीमेल गैमेट का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब क्या होगा, दोनों में रिडक्शन डिवीजन, सॉरी, यहाँ क्या होगा, इतना हो गया, इसके बाद क्या होगा, मेल गैमेटेंजिया से फीमेल गैमेट और मेल गैमेटेंजिया से मेल गैमेट का निर्माण होता है। ठीक, तो क्या करते हैं, मेल गैमेटेंजिया के निर्माण का शौक, यहाँ पे आर डी डिवीजन हो जाएगा, मतलब आर डी का मतलब क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर डी हो जाएगा, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। ठीक, जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो गैमेट क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं, गैमेट आ जाते हैं, गैमेट का मतलब क्या होगा, एन, और जब रिडक्शन के पहले क्या होते हैं, टू एन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं वही। ठीक, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, दोनों मिलकर क्या क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनाएंगे, जायगोट, क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। ठीक, और जायगोट जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। फिर से उसके बाद क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, और फिर से क्या करते हैं, प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं, कौन सा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक, देखिए ये रिडक्शन डिवीजन हुआ यहाँ से। ठीक, जब ये क्या है, सिंगल है,
गैमेट है ना, गैमेट हमेशा क्या होते हैं, गैमेटोफिटिक फेज माना जाता है। गैमेटोफिटिक फेज का मतलब क्या होगा, एन, और स्पोरोफिटिक फेज का मतलब क्या होता है, टू एन, मतलब डिप्लॉयड, क्या होता है डिप्लॉयड, और एन का मतलब क्या होता है हैप्लॉयड, हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है सिंगल, और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है टू, डबल। ठीक, देखो फिर से समझा दे रहे हैं, देखो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोफिटिक थैलस का बना होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से गैमेट निकलते हैं, गैमेटेंजिया निकलते हैं, तो मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया, ठीक, फीमेल गैमेटेंजिया और मेल गैमेटेंजिया निकलते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, फीमेल गैमेटेंजिया निकला, मेल गैमेटेंजिया निकला, फीमेल मेल गैमेटेंजिया के बाद क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, तो क्या बनेगा मेल गैमेट, और फीमेल गैमेटेंजिया के बाद रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक, अब दोनों लोग गैमेट हैं, गैमेट में क्या होता है एन, अब ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं, देखो फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, कहाँ की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक, तो क्या बनाएंगे, जायगोट, जायगोट हमेशा क्या होता है 2n होता है, ये सबको पता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन होने के बाद फिर से क्या करते हैं, स्पोरोफिटिक थैलस का निर्माण करते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होते हैं क्लोरोफाइसी में भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्या होता है क्लाइडोफोनिया, क्या होता है क्लाइडोफोनिया गैमेट होते हैं, या पॉलीसाइफोनिया में आप ले लेते हैं फ्यूकस हो जाएगा, या सार्गासम हो जाता है, कुछ जो होते हैं बैसिलेरियोफाइसी के मेंबर पाए जाते हैं, बैसिलेरियोफाइसी में क्या होते हैं कि डाई एटम्स, क्या बोला जाता है डाई एटम्स बोलते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्डी, कौन सा, आइसोमार्फिक, आइसोमार्फिक का मतलब क्या होता है, किसी को पता है जी, किसी को पता है बताओ जी, नहीं पता है, चलो हम बताते हैं आइसोमार्फिक का मतलब क्या होता है। देखो आइसोमार्फिक का मतलब क्या होता है, समान, आइसो का मतलब समझ में आ रहा है ना, आइसो का मतलब क्या होता है, समान होता है कि नहीं, ये मिटा दे रहे हैं पूरा फिर से, ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, एनी डाउट, सब डाउट क्लियर कर दिया जाएगा जी आप लोगों पर। ठीक है, देखते हैं आइसोमार्फिक क्या होता है, आइसोमार्फिक टाइप, ठीक, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल, ये सबको पता है। ठीक, मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, वाह आकार की, इंटरनल नहीं, वाह आकार की, वाह आकार जो होता है वो समान होता है तो उसे क्या बोला जाता है, आइसो मार्फिक बोला जाता है। ठीक है, मतलब इसमें स्पोरोफिटिक फेज और इधर गैमेटोफिटिक फेज, जब दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं तो उसी को ही क्या बोला जाता है, आइसो मार्फिक बोला जाता है, क्या बोलते हैं, आइसो मार्फिक बोला जाता है। ठीक है, फिगर ड्रा करके हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, देखो, या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोथ, दोनों गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज जब समान होते हैं तभी क्या बोला जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा, ये कहाँ पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, जैसे कुछ एल्गी का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, अल्वा, क्लाइडोफोनिया, डाइपरनॉल्डियोप्सिस, फ्रिशियेला, इक्टोकार्पस, ईटीसी। ठीक है, तो देखते हैं पहले फिगर ड्रा करते हैं, गैमेटोफिटिक थैलस, सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोफिटिक थैलस, गैमेटोफिटिक थैलस, ठीक, गैमेटोफिटिक थैलस हो गया, तो यहाँ क्या होगा, गैमेटोफिटिक है तो क्या होते हैं, गैमेट क्या होंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे, तो क्या निर्माण होगा, मेल गैमेट, किसका, मेल गैमेट, और दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अब देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल करके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, वाटर की प्रेजेंस में होता है, तो यहां क्या बनेगा, जायगोट, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ठीक, अब जायगोट क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, क्या होते हैं, टू एन हो जाएगा।
डिप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा? डायरेक्ट, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, डायरेक्ट किसका निर्माण होता है? स्पोरोफिटिक थैलस का। ये गैमेटोफिटिक है तो यहाँ किसका हो जाएगा? स्पोरोफिटिक थैलस का, ठीक है? किसका? स्पोरोफिटिक थैलस, ठीक। किसका निर्माण होगा? स्पोरोफिटिक थैलस का। फिर उसके बाद क्या होता है? जूमियोस्पोर का निर्माण हो जाता है, कैसे? रिडक्शन डिवीजन के थ्रू। फिर अब क्या होगा? आरडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरडी का मतलब रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। फिर किसका निर्माण होगा? जूमियोस्पोर का। किसका? जूमियोस्पोर का। और फिर से क्या होगा? नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक, देखो 2n यहाँ पे हो गया, 2n यहाँ, ये यहाँ जो स्पोर क्या है? हैप्लॉयड है, और यहाँ भी क्या हैप्लॉयड है, ठीक। इतना हो गया, आप देख रहे हैं समान है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ये हो गया स्पोरोफिटिक, क्या होता है? स्पोरोफिटिक का मतलब 2n, और गैमेटोफिटिक का मतलब क्या होता है? n, ठीक। मतलब हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों की संख्या क्या है? समान है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आइसोमॉर्फिक टाइप बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम इसके पहले आपको नेस्ट बता दिए हैं, जैसे अल्वा हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, ड्राइपरनाल्डिया हो गया, और क्या हो गया? एक्टोकार्पस हो गया, एंड फ्रेसियेला हो गया, ETC, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अभी नेक्स्ट इसके बारे में हम आपको आइसोमॉर्फिक बताए हैं। नेक्स्ट हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, मतलब जिसमें गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उसी को ही क्या बोला जाता हेट्रोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे? रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को।